हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 10th यूनिट 3rd दोचर वाले रैखिक समीकरण यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरी वेल हम कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 3.5 हमने आज मतलब 3.5 कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4, राइट। और क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या है, देखो कहते हैं निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं व्रज गुणन विधियों से हमें हल करना है। देखो दो विधि है, प्रतिस्थापन और व्रज, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन से तो देखो हमने 3.3 के सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो ये तो प्रतिस्थापन विधि से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको खुद करना है। और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ व्रज गुणन विधि से, ठीक है। लेकिन आपको दोनों विधि से करना है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा विधि आसान है, है ना। और फिर आप जज कर सकते हैं खुद भी कि ये कौन सा विधि मेरे को आसान लगा और कैसा लगा। लेकिन मैं आपको व्रज गुणन विधि से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये क्या समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 8x प्लस में 5 है ना। देखो अगर ये 9 इधर है तो इसको आप इधर ले आओ। वैसे अगर आप ये 9 इधर भी रहेगा तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको सब सूत्र लिखते हुए बताऊंगा कि क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। ये समीकरण 1 बन गया आपके पास इक्वल टू 0 और ये समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, 3x प्लस में 2y और 4 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 4, है ना। तो ये समीकरण नंबर 2। वैसे समीकरण लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि समीकरण के हिसाब से आपको ज़्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, व्रज गुणन विधि का फॉर्म लगा दिया, व्रज गुणन विधि द्वारा, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ व्रज गुणन फार्मूला क्या, एक्स वाई और यहाँ पे होता है 1। और देखो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर ये 9 और 4 अगर ये इधर ही रहता, मैं बराबर के इधर लेकर आया, अगर ये इधर ही रहता और मुझे यही सॉल्व करना था तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, माइनस लिखना पड़ता फार्मूले में, बस ये फर्क पड़ता और कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक्चुअल फार्मूला क्या, एक्स वाई और ये माइनस 1 होता है। और यहाँ पर आपके पास होता है b1/b2, c1/c2, a1/a2 और ये होता है b1/b2। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1 b2 क्या होगा आपके पास, देखो 5 2, है ना, ये y है और ये 1 है और ये हो जाएगा माइनस का 9 और माइनस का 4। अच्छा ये क्या, 8 और 3 हो गया और ये 5 और ये 2 हो गया। देखो यहाँ पे a1 a2 क्या, ये a1 आपके पास x के साथ लिखा होता है वो a1 होता है, नीचे वाला a2 होता है, जो y के साथ लिखा तो b1 b2 होता है और जो ऐसे वो c1 c2 होता है। तो इस तरीके से मैंने सारा फार्मूला यहाँ पर आपका फिट कर दिया, ठीक है। और आप क्या करते हो, सॉल्व करते हैं। देखो मैंने इससे गुना किया, माइनस का 20 हो गया, फिर माइनस निशान लगा, इससे गुना 9 दुनिया 18 हो गया, ठीक है जी। देखो जब इससे गुना करेंगे तो अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे, फिर और एक माइनस एक प्लस का तो 9 दुनिया 18 होगा। फिर मैंने वाई लिखा, 9 3 27 और ये हो जाएगा, देखो माइनस का निशान डाला तो 8 4 32 हो गया, ठीक है, 8 4 32 माइनस का जाएगा। और ये एक लिखा, ये होगा 8 2 16 और ये हो गया आपके पास 5 3 8 2 16 हो गया और अपनी तरफ माइनस लगा और ये 5 3 15 हो गया। तो एक्स वैल्यू का माइनस का 20, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 18। और यहाँ पे सॉल्व किया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 32 हो गया। और ये होगा देखो 16 में से 15 गया तो 1 आ गया, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस का 2। और यहाँ पे सॉल्व किया देखो 32 में 27 गया तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ प्लस का 5 आएगा तो 32 बटा 1 बटा 1। अब देखो जब ये इस सिचुएशन में पहुँच जाते हैं तो हमें सॉल्व कैसे करना होता है, इसको इसके बराबर हम कंपेयर करते हैं, एक्स अपॉन में क्या माइनस का 2, ठीक है। और ये हो गया 1/1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में 1, तो एक्स इक्वल टू हो गया माइनस का 2, ठीक है जी। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम जब y की वैल्यू निकालना हो तो y का भी हम कंपेयर करेंगे, y अपॉन में 5, 1/1 हो जाएगा क्रॉस मल्टी, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 5 1 5 हो गया, ठीक है ना। तो आपके पास इस तरीके से आप अगर आप ध्यान दें तो यानी जो x की वैल्यू क्या हो गया, माइनस का 2 और y की जो वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 5 हो गया। इस तरीके से क्या हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, सॉल्व होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपका क्वेश्चन 3rd कर दिया। तो प्रतिस्थापन विधि से आपको देखो खुद करना है और चेक करना है आपको कि कौन सा विधि मेरे लिए क्या आसान था, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन में 4th का फर्स्ट पार्ट का। देखो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है बच्चों, देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिकल लाइफ से हमारे पास जुड़ा होता है। और हम जब इन सवालों को करते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार ये मैथ हम क्यों सीख रहे हैं और क्या आवश्यकता है हमारी जिंदगी में मैथ की। जिंदगी जो मैथ है हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने फेस करना पड़ता है जिसको मैथमेटिकल तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन और किस तरीके से हमें सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो जिस क्वेश्चन के आप हेडिंग में अगर आप पढ़ेंगे बुक में तो ये लिखा पड़ा है कि आप इसको इन समीकरण को आपको क्या करना है, हल करना है। और जब समीकरण को जब आप हल करेंगे तो आप बीजगणित कोई सी विधि का प्रयोग कर सकते हो,
उसी विधि करने कहने का मतलब यहाँ पे कि देखो आप लोग यहाँ पर तीन तीन विधियों को सॉल्व कर चुके, प्रतिस्थापन विधि सॉल्व किया हुआ है विलोपन विधि से, और व्रज गुणन विधि जो अभी हमने किया इस विधि से, तीन तीन विधियों से किसी भी समीकरण को जो दो समीकरण आता है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, आप इनको इन दो विधियों तीन विधियों से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एक विधि और है ग्राफिकल विधि जो 3.1 और 2 में, तो वो जो अभी हमने उसे किया नहीं है, लेकिन ग्राफिकल विधि तो चल ग्राफ में ही हम करेंगे सॉल्व, उससे भी हमारा एक प्रकार से समीकरण को सॉल्व करने में मदद मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन में छूट दिया हुआ है कि आप इस समीकरण को सॉल्व करके जो इक्वेशन बनेगा किसी भी विधि का प्रयोग करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। कहता है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, बिल्कुल नियत है जी, और इससे निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। तो देखो इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा बच्चा को रहता है यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ बात करता है। जैसे कोई बच्चा अगर हॉस्टल में पढ़ता है तो उसे खाने की ना जो मैस में सुविधा होती है, तो मैस वाले ने एक रूल बनाया हुआ है देखो कि अगर बच्चों अगर नाम रजिस्टर करा ले कि हाँ मैस में खाना लूँगा, तो कई बच्चे खाते हैं नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे मैस वाले ने बोला देखो तुम चाहे खाओ मत खाओ महीने का तो 500 रुपये तो देना पड़ेगा, और अगर खाया तो ना एक दिन का जो भोजन है आपको 30 रुपये के हिसाब से एक दिन के भोजन का 30 रुपये आपको दोपहर को मिलेगा, है ना, सुबह मिलेगा, दोपहर को, रात को मिलेगा, और 30 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अगर किसी बच्चे ने मान लो सपोज कि 20 दिन भोजन किया या 10 दिन भोजन किया, तो देखो 10 दिन भोजन किया तो 30 रुपये का एक दिन का, तो 300 रुपये तो ये होगा और 500 रुपये फिक्स, तो ये 800 रुपये से पे करना पड़ेगा। इस तरीके से क्या होता है उसको पे करना पड़ता है ना। तो यहाँ भी उसी क्वेश्चन के बेसिस पर देखो आपका दो बच्चों की कहानी दी हुई है इसमें। कहता है एक बच्चा ए है ना, उसने क्या किया 20 दिन भोजन किया, कितने दिन 20 दिन भोजन करता है, और उसे 1000 रुपये छात्रावास को पे करता है। यहाँ से यहाँ तक बताएगा समीकरण नंबर एक आपका, समीकरण नंबर एक बनेगा। और एक और बच्चा बी है ना, और जो को 26 दिन भोजन करता है उसे पे करना पड़ता है 1180 रुपये, है ना, 26 दिन भोजन का। तो ये जो कंसेप्ट है और ये जो बी बच्चा है ना, दो बच्चा एक ए है और एक बी है, तो इन बातों से हमें समीकरण दो समीकरण बनाना पड़ेगा। तो और लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, नियत व्यय ज्ञात करना है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा था वही मान लेते हैं, माना नियत व्यय, तो नियत व्यय हो गया आपके पास रुपीज एक्स, प्रतिदिन भोजन का मूल्य है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य आपके पास रुपीज क्या आ गया, वाई आ गया, ठीक है जी। प्रसन्न सर पहले अवस्था में, पहली अवस्था इसलिए बोल रहा हूँ कि ए जो बच्चा कर रहा है वो पहली अवस्था है, ठीक है ना। तो ए ने क्या किया कि 20 दिन भोजन किया, तो देखो फिक्स पैसा देना ही पड़ेगा, और ए ने भोजन किया 20 दिन तो 20y हो जाएगा, और पिक पे कितना पड़ा करना पड़ा 1000 रुपये, समीकरण नंबर एक हो गया। दूसरी अवस्था में बेटा आपके पास यहाँ पर बी बच्चा, उसने एक्सर नियत व्यय तो देना पड़ेगा, और उसने भोजन कितना किया 26 दिन, तो 26y हो जाएगा, और पैसे कितने देने पड़े 1180, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो समीकरण एक और दो बना चुका हूँ, अब इसको सॉल्व करना है मुझे, जो विधि मुझे आसान लगता है या जो विधि आपको आसान लगता है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या देखते हैं कि उसे विलोपन विधि सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। विलोपन में क्या होता है किसी एक वेरिएबल को बराबर करना होता है, तो देखो यहाँ पे एक्स और एक्स पहले से ही बराबर है, तो मुझे डायरेक्ट क्या लिखना पड़ेगा, अगर बराबर दोनों का निशान भी सेम है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण एक में से दो को घटाने पर। मैं यहाँ पे विलोपन विधि से कर रहा हूँ, ये विलोपन विधि का तरीका होता है कि जब समीकरण का कोई एक वेरिएबल बराबर तो डायरेक्ट उस समीकरण को क्या करो आपस में घटा दो या जोड़ दो। देखो मैं यहाँ घटाने पर लिख रहा हूँ, जो बराबर है उनका दोनों ही प्लस का है, अगर जो बराबर है अगर वो एक माइनस का होता है पहले प्लस का होता है तो फिर क्या होता है, हम उसे लिखते हैं जोड़ने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा मैं घटाने पर, तो x प्लस में 20y बराबर हो गया 1000, और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो x प्लस में 26y और यहाँ पे होगा 1180, ठीक है जी। सॉल्व किया हमने, निशान चेंज किया, एक कट गया आपके पास, माइनस का 6y आ गया, देखो 26 बढ़ा है तो माइनस का आएगा, यहाँ पे 1180 बढ़ा है तो 1000 घटा है तो माइनस का 180 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या हो गया 180, एक गुना में तो ये बटे में आ जाएगा तो कट गया 30 आ गया, तो y की जो वैल्यू आ गई 30 रुपये आ गया। y निकल के आने का मतलब हमें क्या मतलब, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, तो यानी एक दिन अगर वो बच्चा भोजन करता है तो उससे जो उसका खर्चा है उसको 30 रुपये उठाना पड़ता है, ठीक है ना। अभी हमें आवश्यकता है कि नियत व्यय कितना है, यानी उसे अगर भोजन नहीं भी करे तो फिक्स खर्चा कितना है कि देना ही पड़ेगा उसको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो वाई का मान लिखना पड़ेगा, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है जी। तो समीकरण एक में रखा मैंने,
समीकरण एक आपके पास x प्लस में 20y, और यहाँ पर आपके पास हो गया 1000 रुपये, ठीक है। तो y की जो वैल्यू निकल के आया वो 30 रुपये निकल, तो यहाँ पे देखो y की जगह मैं 30 रख दिया, देखो यहाँ पे y की वैल्यू 30 निकला था ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू रख दिया, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इनके बीचों का निशान है तो गुणा का निशान होता है 20 और y के बीच, तो गुणा का निशान लगा मैंने, तो ये होगा आपके पास 600 और ये होगा 1000, यानी x इक्वल टू क्या होगा 1000 माइनस में 600, यहाँ पे जो निकल के आ गया आपके पास 400 रुपये, ठीक है ना। तो आते हैं जो नियत व्यय है, यानी आप देखो एक्स वैल्यू निकल के आ गया, एक्स मतलब नियत व्यय, अतः नियत व्यय आ गया आपके पास 400 रुपये, और जो प्रतिदिन प्रतिदिन के भोजन का मूल्य है, प्रतिदिन के भोजन का जो मूल्य है वो निकल के आया है 30 रुपीज़, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डायरेक्ट हमारी लाइफ के साथ जुड़ा होता है, इसलिए बच्चों को घबराना नहीं है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे, और आपको फोकस करके उसको अच्छे से सीखना है। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए होप होता है कि टीचरों के लिए भी होप होता है, एग्जाम में भी होप होता है कि बच्चे उसको सीखे उसको करे, ताकि उसको प्रैक्टिकल समझ में आए कि मैथ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आई होप ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा तो क्या करना है आपको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है इसे, ठीक है ना, और शेयर करके इस चैनल के साथ बने रहना है, क्योंकि हम यहाँ पर इस चैनल पर है ना बहुत लंबे समय तक दूसरे जुड़ने वाले हैं, और 6ठी से लेकर 12वीं तक के सारे मैथों का एनसीईआरटी के सारे सवालों का हम सॉल्यूशन इस चैनल पे करेंगे, और आपको बनना है इस चैनल के माध्यम से एक्सपर्ट, मैथ में बनना है एक्सपर्ट, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको आसान आसान विधियों से इस ऑनलाइन ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको मैथ में एक्सपर्ट बना पाऊँ, और कम से कम आपको ऐसा आपके साथ सिस्टम बना पाऊँ कि आप मैथ जो है आपके लिए बन जाए आसान, ठीक है। तो थैंक यू चैनल के साथ बने रहने के लिए, थैंक यू।